चलिए तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रीपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। फिर दिया हुआ है रिसीप्ट, दिया हुआ है पेमेंट, दिया हुआ है। रिसीप्ट साइड से हम लोग इनकम छाट लेंगे और पेमेंट साइड से हम लोग एक्सपेंस छाट लेंगे, ठीक है। चलिए और बना लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस का कुछ नहीं करते हैं, बता दिए हैं। और क्लोजिंग बैलेंस आपका एसेट्स होता है, क्यों? क्योंकि कैश का बैलेंस है ना, एसेट्स होता है, तो इसका भी काम नहीं है आपको। चलिए अब छांटते हैं। तो डोनेशन आपका इनकम है, लीगेसीज आपका लायबिलिटीज है, बता चुके हैं इसके पहले भी हम, क्यों? क्योंकि ये कभी कभी रिसीव होता है, ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, इसके लिए पहले भी इसे बता चुके हैं, ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है? कभी कभी। और ऐसा इनकम जो कभी कभी आता है और बड़ा अमाउंट होता है, उसको हम लोग क्या क्या कर देते हैं, उसको हम लोग इनकम नहीं मानते, उसको हम लोग कैपिटल रिसीप्ट मानते हैं और लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिसीप्ट मानते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो लीगेसी से हमारा इनकम नहीं है, इसको इनकम कहना गलत होगा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये आपका इनकम नहीं है, बस ये सब आपको याद करना है कि कौन इनकम होता है, कौन नहीं होता है, कौन लायबिलिटीज होता है। तो ये आपका इनकम नहीं है, ये आपका लायबिलिटीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंपल सब्सक्रिप्शन, ये आपका प्योर इनकम है, ये आपका प्योर इनकम है। इंटरेस्ट आपका इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ये आपका इनकम नहीं है। मशीनरी क्या है? आपका एसेट्स था, जब आपने बेचा तो आपका एसेट्स कम हुआ, ना कि इनकम हुआ, ठीक है, आपका एसेट्स कम हुआ, तो इसको इनकम में हम नहीं लेंगे। तो इसको भी हाईलाइट कर दीजिए, ये भी आपका इनकम नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। एक्सपेंस साइड में सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट आपका एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है? आपका एसेट्स है, क्योंकि वापस आ जाएगा पैसा, इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स है। चलिए ठीक। तो आपने क्या देखा, आपका इनकम कितना आया? 1 2 3 इनकम आया और 1 2 3 4 5। तो आपने जब टोटल आपने जब पूरा इन्फॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ा, तो देखा कि आपने 3 इनकम आया और 5 एक्सपेंस आया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाएंगे, इनकम साइड में इनकम लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में एक्सपेंडिचर को लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो रफली हम आंसर निकाल के दिखा देते हैं, इधर ही दिखा देते हैं। इनकम में पहला है डोनेशन, कितना है? 6000 डोनेशन, 6000। फिर आपका है सब्सक्रिप्शन, 12000। तीसरा इनकम है आपका इंटरेस्ट, 1500 इंटरेस्ट, 1500। फिर एक्सपेंस में आइए, सैलरी है 4000, रेंट है 2500, फिर आपका प्रिंटिंग है 500, फिर से पोस्टेज है 200, फिर से एडवर्टीजमेंट है 1800। चलिए बस आंसर निकाल लीजिए। तो टोटल इनकम आपका हो गया 6000 प्लस 12000 प्लस 1500, 19500। इसमें से माइनस करेंगे 4000 प्लस 2500 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 1800, 9000 माइनस करेंगे, माइनस 1 तो 10500 आ रहा है, 10500। क्या आपका आंसर इतना है? तो 10500 ही आपका सरप्लस हो गया, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। चलिए तो आपके आंसर आ गया एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 10500, लीगेसीज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट एंड डोनेशन एज रिवेन्यू। क्यों? हम भी आपको एक्सप्लेन कर दिए ठीक से, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो अभी तक आपने अभी सिंपल आप बना जो बना रहे हैं, ये सिंपल बना रहे थे आप विदाउट एडजस्टमेंट, ये सब जो क्वेश्चन था विदाउट एडजस्टमेंट का था,
विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था। इसके लिए इजी था, सिर्फ आपको एक्सपेंस और इनकम छांटना था। अब हम लोग का जो कॉन्सेप्ट चालू होगा विथ एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट चालू होगा, और ये डिफिकल्ट होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अब आपको एडजस्टमेंट आएगा जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आप फेयर कर लीजिए। अब हम अगला पहले आप कॉन्सेप्ट बताते हैं कि विथ एडजस्टमेंट होता क्या है, उसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे विथ एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाएंगे। ठीक, चलिए बढ़िया आगे।